हाय व्यूवर्स, वेलकम टू माय चैनल हेल्थ टिप्स एंड टिप्स। आज बात करूंगी दोस्तों प्रेगनेंसी के दौरान ब्राउन डिस्चार्ज के संबंध में, जिसको लेके कई बार महिलाएं बहुत जल्दी घबरा जाती हैं और परेशान हो जाती हैं। इवन उनके पार्टनर भी इस दौरान काफी घबरा जाते हैं कि इस तरीके का डिस्चार्ज आखिर क्यों हो रहा है। तो ब्राउन डिस्चार्ज दोस्तों जो है, लगभग 20% महिलाओं को इस तरीके का डिस्चार्ज का अनुभव होता है। ब्राउन डिस्चार्ज दोस्तों वास्तव में यूनि से निकलने वाला लाल और भूरे रक्त का स्राव होता है, जो कि पूरी गर्भावस्था के दौरान हो सकता है। बेसिकली जो ये डिस्चार्ज होता है, ये गर्भाशय में मौजूद पुराना ब्लड होता है और इस टाइम पे बाहर निकलता है। इस तरीके का डिस्चार्ज शुरुआती दिनों से लेके प्रेगनेंसी के 37वें हफ्ते तक जारी रह सकता है, यानी कि आपकी डिलीवरी से पहले पहले तक आपको इस तरीके का डिस्चार्ज हो सकता है। दोस्तों इसका जो कलर होता है या फिर क्वांटिटी जो होती है, ये आपके पीरियड और मिसकैरेज में होने वाली ब्लीडिंग से काफी अलग होती है। तो अगर आपको भी इस दौरान ब्राउन डिस्चार्ज की समस्या हो रही है, तो इसमें घबराने की बहुत ज्यादा बात नहीं है, क्योंकि ये गर्भावस्था के दौरान सामान्य बात है। लेकिन इसमें चिंता की बात तब हो जाती है जब इस ब्राउन डिस्चार्ज के साथ आपको खुजली या फिर दुर्गंध महसूस हो। दोस्तों ओवुलेशन के 6 दिन से लेकर गर्भ के पहले कुछ हफ्तों तक इम्प्लांटेशन के दौरान स्पॉटिंग या फिर ब्लीडिंग या फिर ब्राउन रंग का डिस्चार्ज होता है। गर्भावस्था के शुरुआती दिनों में कभी कभी गर्भाशय पुराने रक्त को निकालता है, जिसे स्पॉटिंग या फिर ब्राउन कलर का डिस्चार्ज कहा जाता है। बच्चेदानी और योनि में होने वाली संवेदनशीलता के कारण आपको गर्भावस्था में अलग अलग समय पर ये डिस्चार्ज हो सकता है। तो गर्भावस्था के शुरुआती दौर में भी आपको इस तरीके का ब्राउन डिस्चार्ज हो सकता है और अंतिम दिनों में भी इस तरीके का ब्राउन डिस्चार्ज आपको देखने को मिल सकता है। अंतिम दिनों की बात की जाए दोस्तों, तो डिलीवरी के कुछ हफ्ते या फिर कुछ दिन पहले ही सर्विक्स का जो म्यूकस प्लग होता है वो टूट जाता है और इसके बाद जो होता है ब्राउन रंग का या फिर डार्क गुलाबी कलर का डिस्चार्ज होता है। तो जैसा मैंने आपको बताया कि इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग या फिर प्री लेबर डिस्चार्ज जो होता है, ये इसके कुछ कारण होते हैं। इसके अलावा संभोग करना, मोलर प्रेगनेंसी अगर आपको है सर्वाइकल पॉलिप्स की वजह से, या फिर आपको एक्टोपिक प्रेगनेंसी है, या फिर आपका पहले मिसकैरेज हुआ हो मिस्ड अबॉर्शन की वजह से, असामान्य प्लेसेंटा की वजह से, या फिर योनि में संक्रमण होने की वजह से आपको इस तरीके का ब्राउन डिस्चार्ज हो सकता है। तो वैसे दोस्तों ब्राउन डिस्चार्ज होना सामान्य सी बात है, लेकिन अगर आपको जो चीजें मैंने बताई हैं इनमें से किसी वजह से भी ब्राउन डिस्चार्ज की शिकायत है, तो आपको क्या करना है, सबसे पहले तो आपको अपनी अच्छे से केयर करनी है गर्भावस्था के दौरान। बहुत ज्यादा कामों में आपको नहीं पड़ना है, कम से कम काम इस दौरान करने हैं और अधिक से अधिक इस दौरान बेड रेस्ट करना चाहिए। इस दौरान ऐसा होने पर आपको एक्सरसाइज अलाउ नहीं की जाती है, कोई भी हैवी आइटम आपको इस दौरान नहीं उठाना है। ब्राउन डिस्चार्ज की मात्रा को कम करने के लिए जरूरी है कि आपका ब्लड सर्कुलेशन बेहतर हो, तो इसके लिए आप अपने पैरों को हल्का सा उठा लें, जिससे आपका शरीर जमीन से दूर हो जाता है और ये आपके ब्लड सर्कुलेशन को अच्छा करता है। तो इस तरीके की अगर आप एक्सरसाइज करेंगी तो इससे आपको ब्राउन डिस्चार्ज की समस्या कम रहेगी। इसके अलावा डॉक्टर विजिट जरूर करें अगर आपको ब्राउन डिस्चार्ज की मात्रा बहुत ज्यादा हो रही है। और अंत में दोस्तों यही कहूंगी कि अगर आपको ब्राउन डिस्चार्ज बहुत ज्यादा हो रहा है, तो आप तुरंत अपने डॉक्टर को विजिट करें और डॉक्टर को ये बातें बताएं। हो सकता है आपके डॉक्टर आपके कुछ ब्लड टेस्ट करवाए, यूरिन टेस्ट कराए, या फिर आपको अल्ट्रासाउंड स्कैन करवाना पड़े। तो इन चीजों में बिल्कुल भी लापरवाही न करें, बिल्कुल भी देरी न करें, तुरंत अपने डॉक्टर से मिले। उम्मीद करती हूँ दोस्तों ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर जरूर करिएगा। हमारे इस चैनल हेल्थ ट्रिक्स एंड टिप्स में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, फिर मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे हैप्पी स्टे हेल्दी।